स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है। युवा कांग्रेस की ओर से प्रदेश सरकार को पहले ही ज्ञापन देकर सूचित किया गया था कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वह सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी आज शुरुआत कर ली गई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं पौड़ी से प्रदीप नेगी की इस रिपोर्ट में। जो आज हमारा पूरे देश में जो IYC द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया है, उसमें निम्नलिखित मांगे इसी प्रकार से हैं कि पहला जो है प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं या कॉलेज हैं, उनकी जो 3 माह की फ़ीस है, अप्रैल मई जून की फ़ीस है, उसको माफ़ किया जाए। और दूसरा यही है कि जो प्राइवेट स्कूल या विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उनको कहीं ना कहीं जो आय मिलती है उसको पूर्ण रूप से दिया जाए। कर रहे हैं आप? हाँ, बिजली और पानी का ये है कि जो मतलब सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है लोगों पे कि बिजली और पानी के बिल लेने के संदर्भ में, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो 3 माह के बिल हैं, अप्रैल मई जून के जो भी बिल हैं, उसको माफ़ किया जाए सरकार द्वारा, यही हमारी मांग है। ये COVID-19 महामारी के चलते पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। आम जनमानस को आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है, सारे व्यवसाय ठप पड़े हैं और कहीं ना कहीं इस स्थिति को भी उभरने में समय लगेगा। आज पूरे प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने सांकेतिक धरना दिया है। इसी उपलक्ष्य में आज पौड़ी में भी सांकेतिक धरना युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा दिया गया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे सरकार से यह थी कि कम से कम 3 माह की बिजली और पानी के बिल माफ़ किए जाएँ और स्कूली जो छात्र हैं उनकी फ़ीस माफ़ की जाए 3 महीने की। सरकार को जन भावनाओं को देखते हुए यह फीस माफ़ी या बिजली पानी के बिल माफ़ करने चाहिए, इसी उसमें आज हमारा सांकेतिक धरना था। और सरकार अगर इसमें माफ़ी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को इसका कड़ा विरोध करना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा।